तो कुछ वक्त पहले तक सभी का लग रहा था कि ऋषभ पंत शायद वर्ल्ड कप तक ले तो फिट नहीं होंगे, वर्ल्ड कप के बाद ही वह फिट हो पाएंगे। लेकिन अब जो बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है ऋषभ पंत के लिए, वह बेहद ही बड़ा अपडेट है। इसके अलावा बता दें कि केएल राहुल से जुड़ी एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, तो इन दोनों बड़ी खबरों पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। तो बात करें सबसे पहले हम ऋषभ पंत का, तो दोस्तों बता दें कि एक्सीडेंट के बाद से अभी तक तो कोई मुकाबले नहीं खेले थे ऋषभ पंत, लेकिन अब बता दें कि ऋषभ पंत जो कि लगभग अपने चोट से रिकवर हो चुके हैं, और यहाँ तक रिकवर हो चुके हैं कि अब वह बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। या दोस्तों बता दें कि भले वह विकेट कीपिंग अभी शायद नहीं कर पाएंगे, लेकिन बल्लेबाजी कंफर्म रूप से कर सकते हैं, और यह लाइव प्रूफ भी हुआ चैरिटी मुकाबले में खेलते हुए नजर आए ऋषभ पंत। या दोस्तों इससे कंफर्म हो गया कि उनका फिटनेस लेवल अब बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। और बता दें कि अभी आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में लगभग 40 से 50 दिन है, इतने में और भी उनका फिटनेस वापस आ जाएगा, तो बेहद ही ज्यादा चांसेस है कि स्टैंड बाई में ऋषभ पंत को रखा जाए। या दोस्तों बता दें कि ऋषभ पंत जब आधा वर्ल्ड कप बीतेगा उस वक्त तक 100% फिट हो जाएंगे। ऐसे में कोई खिलाड़ी इंजर्ड होता है तो उनके जगह पर ऋषभ पंत को टीम इंडिया में शामिल किया जा सकता है वर्ल्ड कप के लिए। यह बेहद ही बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है ऋषभ पंत के लिए। बात करें हम केएल राहुल का, तो दोस्तों बता दें केएल राहुल का जो फिटनेस लेवल है वह बेहतर हो चुका है, लेकिन श्रेयस अय्यर का जो अभी फिटनेस लेवल है उतना बेहतर नहीं हुआ है। ऐसे खबर है कि शायद श्रेयस अय्यर एशिया कप ना खेले, सीधा वर्ल्ड कप खेले या फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज है उसमें खेले। में अब जो सबसे बड़ा चिंता की बात है टीम इंडिया के लिए नंबर चार की है कि आखिर कौन बल्लेबाजी करेगा नंबर चार पर। तो दोस्तों खबरों का माने दोस्तों केएल राहुल को टीम इंडिया उतार सकती है नंबर चार पर बल्लेबाजी करने के लिए एशिया कप में। बता दें केएल राहुल अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं नंबर चार पर, ऐसे में अच्छा परफॉर्मेंस करने का उम्मीद भी होगा एशिया कप 2023 में। तो दोस्तों आपको क्या लगता है एशिया कप में कैसा रहेगा परफॉर्मेंस केएल राहुल का, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।